हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। आज जो हम लोग देखेंगे वो 10 क्वांट्स की सीरीज़ है, जिसमें कि हम लोग पांच अर्थमेटिक और पांच डीआई यानी कि एक कंप्लीट डीआई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं उसको। जो लोगों को मेरे बारे में या डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना है, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं आप। देखो पहला सवाल क्या है हम लोगों का। पहला सवाल में बोल रहा है, राहुल एंड रंजीत स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट विच इज इन द रेशियो 9:8। ठीक है, यानी कि राहुल है हमारा, ठीक है, कौन कौन है, किस किस के बारे में दिए हुए है, राहुल और कौन है हमारा, रंजीत। ठीक है, राहुल एंड रंजीत आर देयर। अब क्या बोल रहा है कि अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है 9:8 में। ठीक है, एंड द टाइम फॉर विच दे इन्वेस्टेड इज इन द रेशियो 4:5, 4:5 में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया टाइम के, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो जाएगा कुछ इस तरीके से निकलेगा। 4 से काट दो इसे दो बार में, 9:10 कितना निकल जाएगा, 10। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, राहुल ऑल्सो मैनेजेस द बिजनेस फॉर विच ही गेट्स अ टोटल ऑफ ₹20,000 फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट। राहुल को जो है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए उसे टोटल एनुअल प्रॉफिट का ₹20,000 मिलता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर पेइंग द इनकम टैक्स एट 12.5%, यानी कि इनकम टैक्स जो वो पे करता है वो कितना पे करता है, 12.5%, या आप बोल सकते हो टोटल प्रॉफिट का 1/8, क्योंकि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। रंजीत गॉट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 56,000, रंजीत को टोटल प्रॉफिट जो मिला 56,000 मिला। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय राहुल बिफोर पेइंग द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे किए बिना राहुल को कितना मिलता है ये देखना है। तो देखो यहाँ अगर रंजीत को बिना इनकम टैक्स का बात करें तो 10N मिलता मान लो, और राहुल को कितना मिलता, 9N, लेकिन इसे बिजनेस मैनेज का ₹20,000 भी मिल रहा है, यानी कि इसको टोटल जो मिलता 9N प्लस में 20,000, इसको 10N मिलता। राहुल को जो मिला है वो मिला है 56,000, लेकिन कब मिला है, इनकम टैक्स पे करने के बाद। ठीक है, यानी 10N पे उसने 1/8 पे कर दिया, 1/8 पे कर दिया, तो बचा कितना हमारा, 7/8, यानी कि 7/8 जो है इसके बराबर है। 7 से काट दो इसे, 8 बार में कट जाएगा, 8 7 56, यानी कि 8,000, और 10 और कट जाएगा, यानी एन की जो वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई, 6,400 निकल गई। अब तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला था, राहुल का बिना इनकम टैक्स का, बिना इनकम टैक्स का कितना है, 9N प्लस में कितना, 20,000, यानी कि 9 × 6,400 और प्लस में क्या है, 20,000। 9 × 64 तुम्हें देगा 5,760 प्लस में 20,000, और यही तुम्हारा है 7,760 रुपीज, एंड योर आंसर इज 7,760। ठीक है, इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ए डिसऑनेस्ट सेलर मार्क्स द प्राइस ऑफ वीट 12% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 12% अबव वो क्या करता है, मार्क करता है। बट क्लेम्स टू सेल एट द कॉस्ट प्राइस, क्या क्लेम करता है कि हम उसे CP पे ही बेच दे रहे हैं। ठीक है, ही ऑल्सो यूजेस 700 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1,000 ग्राम फॉर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के लिए, यानी कि 1,000 ग्राम के लिए उसने कितना यूज़ करता है, 700 ग्राम यूज़ करता है। तो मान लो कि अगर 1,000 ग्राम का CP जो है वो 1,000 रुपये है, यानी कि यूँ बोलो CP अगर 1,000 रुपये है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, कितना परसेंट अधिक बोला, 12% अधिक, यानी 12% अधिक कर दोगे तो 1,120 रुपीज़ हो जाएगा मार्क प्राइस। अगर CP 1,000 है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, 1,120 हो जाएगी। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में डिफरेंस निकालना है कब, व्हेन ही मार्क्स द प्राइस ऑफ वीट एट 12% अबव द कॉस्ट प्राइस, जब वो मार्क करता है 12% अबव पे, मतलब 12% अबव पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, एंड इफ ही सेल्स द वीट एज क्लेम्ड बाय हिम, और वीट को उसी पे बेच देता जितना पे वो क्लेम कर रहा, और क्लेम क्या कर रहा था, वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचता तब उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट होती, और मार्क प्राइस पे बेचता तब उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट होती, ये तुम्हें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 700 ग्राम ही वो देता है 1,000 ग्राम के लिए। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है तुम्हारा, पहला केस देख लो, व्हेन सेल्स एट 12% इंक्रीज्ड प्राइस, यानी दैट इज
जब वो 1120 में बेचता है, तो 1120 में वो बेच कितना रहा है? सबसे पहले ये देखो, 1000 का जगह पे 700 ग्राम ही दे रहा है ना, तो 700 ग्राम का वो सेलिंग प्राइस क्या ले रहा है? 1120 ले रहा है। तो 700, जब 1000 ग्राम का सीपी हमारा 1000 है, तो 700 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 700 ग्राम का सीपी हमारा हो जाएगा 700 रुपये। अब यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, यहाँ से देखो तुम 420 का तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 420 बटे में 700 गुने में क्या 100, ठीक है, 000 खत्म हो गया 7 से 60 बार में, यानी कि जब तुम एमपी पे 12% इंक्रीज करके बेचोगे तो तुम्हें क्या हो रहा है? 16% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि यदि तुम इसे क्लेम्ड प्राइस पे बेचते, मतलब सीपी पे ही जब तुम बेच देते, तो सीपी पे बेचने का मतलब क्या है? वो 700 ग्राम के लिए कितना चार्ज कर रहा है, 1000 रुपये या 700 रुपये? यहाँ पे 700 ग्राम के लिए वो चार्ज कर रहा है, सीपी पे बेच रहा है, यानी कि 1000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ज किया यानी कि सेलिंग प्राइस। अब 700 ग्राम का तुम्हारा क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो 700 ग्राम का सीपी क्या हो जाएगा तुम्हारा? 700 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रॉफिट देख लो, 300 का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज प्रॉफिट जब तुम देखोगे यहाँ से, तो परसेंटेज प्रॉफिट तुम्हें क्या मिल जाएगा? 300 बाई में क्या 700 गुने में कितना 100, ठीक है, 000 खत्म हो गया, यानी तुम्हें क्या मिल गया? 3 बाई में 7 गुने में 100। तुम्हें मालूम है 1 बाई में 7 जो होता है वो होता है 14.28। देखो अप्रॉक्स में ही लेके चलो, 14.2 ही लेके चलते हैं अगर, तो 14.2 है यहाँ 3 बाई में 7, यानी क्या हो जाएगा? 3 गुने में 14 पॉइंट में क्या 2, जो कि क्या देगा? 42.8% अप्रॉक्स, ठीक है। जब 42.8% तुम्हें अप्रॉक्स मिल गया, जहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज ये है, जहाँ से 60 है, तो तुम्हें डिफरेंस ही निकालना है, तो डिफरेंस निकाल दो, 60 माइनस में 42 पॉइंट में क्या 8, जो कि तुम्हें क्या देगा? 17.2 के लगभग में, यानी कि 143 एक ही ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, 17 के रिस्पेक्ट में यही है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इसे अप्रॉक्स में लिया था, इसलिए हमारा जो आंसर है वो है 17.143। इसे तुम नेट वैल्यू लोगे तो नेट वैल्यू में ये 17.143 आ जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो कि ज़्यादा उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ऑप्शन जो है वो क्या है? सिंगल सिंगल टर्म है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.143। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट में देखो क्या बोला, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द आर बॉयज, ठीक है, एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं? बॉयज हैं, ठीक है। तो 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लो टोटल स्टूडेंट्स जो तुम्हारे थे, वो टोटल स्टूडेंट्स तुम्हारे 100 थे, जिसमें तुम्हें दिए हुए है बॉयज और गर्ल्स। बॉयज तुम्हारा 35% है, यानी 35, तो गर्ल हमारा कितना हो जाएगा? 65%। अब बोल रहा है 60% ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास मैनेज टू स्कोर मोर देन 85%, ठीक है, एक 85% से मोर लाया है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? लेस लाया होगा। तो 85% से मोर कितने हैं? 60% है, यानी 60 बाई में 100 कर दो। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा? 39 दे देगा, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? लेस है, उसका कोई ज़रूरत नहीं हमें। अब आगे क्या बोल रहा है, वाइल 48% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास स्कोर्ड 85% और लेस, ठीक है, 48% जो है वो क्या लाया है? 85% से लेस आया क्लास का, यानी कि 100 में बात कर रहा है, तो जो 85% से लेस लाए हैं वो है हमारे 48% लोग, यानी 48 लोग। तो बाकी बचे जो 52 लोग हैं वो उन्होंने क्या लाया है? मोर देन 85%। क्या लाया उन्होंने? मोर देन 85%। अब तुम यहाँ ध्यान दो, मोर देन 85% बॉयज गर्ल्स मिला के 52 है, मोर देन 85% सिर्फ गर्ल्स 39 है। तो मोर देन 85% में जो बॉयज की संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टोटल हमारा 52 है, जिसमें 39 क्या करो? घटा दो, तो 52 में 39 चला जाएगा, तो ये क्या देगा तुम्हें? 13 देगा। 13 यहाँ से तुम्हारे ऐसे बॉयज़ हैं जो क्या है 85% से अधिक लाए हैं। अब तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला, देखो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सेलेक्टेड बॉयज़ इन द क्लास बोथ स्कोर्ड मोर देन 85%। दो बॉयज़ को सेलेक्ट किया गया और दोनों ही 85% से अधिक लाएँ, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें बतानी है। तो जो 85% से अधिक वाले बॉयज़ थे वो कितने थे? 13। इसी में से तुम्हें दो चुनना है, 13C2 बटे में प्रोबेबिलिटी। बॉयज़ की प्रायोरिटी निकालने, तो बॉयज़ टोटल हैं कितना? 35 है, यानी कि नीचे में क्या हो जाएगा? 35C2, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13C2 बाई में क्या 35C2। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या,
A ship started sailing from point A on a river point towards point B, which is 28 kilometers from point A. ठीक है? A से जो है B तुम्हारा 28 किलोमीटर है. कितना किलोमीटर है? 28 किलोमीटर. फिर क्या बोल रहा है आपको? And reaches point B somewhere between A and B. और B पे पहुंच P पे पहुंचता है A और B के बीच में at time T1 में. ठीक है? तो थोड़ा सा यहाँ से हम मानना शुरू करते हैं. मान लो ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा 28 माइनस में d. ठीक है? अब तुम्हारा पहला कंडीशन बोला कि t1 समय में तुम पहुंचते हो, तो t1 समय में तुमने दूरी कितनी तय की? 28 माइनस d. अब आगे देखो क्या बोल रहा है. आफ्टर रीचिंग पॉइंट b द सिप इमीडिएटली टर्न्स बैक टुवर्ड्स ए एंड t2 इज द टोटल टाइम ट्रेवल्ड बाय सिप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू पी. A से B जाने में और B से P आने में जो समय लगा है वो समय क्या है? T2 है. ठीक है? यानी कि T2 का जो वैल्यू है, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारा? T2 पहले गया A से B 28 कुछ स्पीड से गया होगा, स्पीड आएगा तो बात करेंगे. और फिर रिटर्न आया है D, कुछ स्पीड से रिटर्न आया होगा. अब देखो क्या बोल रहा है. द स्ट्रीम इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी डाउन स्ट्रीम जा रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर के चाल से. एंड द डिफरेंस बिटवीन T1 एंड T2, T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो है 7/3 आवर. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी, पी से बी के बीच की दूरी निकालनी, यानी डी का वैल्यू निकालना है. इफ द स्पीड ऑफ बोट इज 14 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड क्या है? 14. तो T1 जो 28 माइनस डी गया था वो तो डाउन स्ट्रीम गया था, तो 14 प्लस में क्या हो जाएगा? 2. इसी को तुम दूसरे भाषा में इस तरीके से लिख सकते हो, 28/16 माइनस में डी बाई में क्या? 16. अब यहाँ आ जाओ T2 में बात करते हैं. T2 में तुम्हारा क्या है? 28 वो गया सबसे पहले 14 प्लस 2 के स्पीड से, लेकिन जब ये रिटर्न आया तो अप स्ट्रीम हो गया हमारा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 माइनस में 2. अब यही T1 और T2 का जो डिफरेंस है वो दिए हुए 7/3. बस डिफरेंस लिख दो, 28/16 प्लस में d बाई में तुम्हारा क्या है? 14 में 2 चला जाएगा, कितना? 12. और फिर माइनस कर दो तुम 28/16 और प्लस में d बाई में 16 इज इक्वल टू तुम्हें दिए हुए है 7/3. देखो ये टर्म तो तुम्हारा ख़त्म हो गया. जब तुम यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होकर तुम्हें यहाँ से d का वैल्यू निकालना है, तो d का वैल्यू निकाल दो, या तो तुम एलसीएम ले लो. एलसीएम जब लोगे तो 48 एलसीएम हो जाएगा, 4d और प्लस में 3d बराबर में क्या है? 7/3. 3 से काट दो इसे, 1 और 6 16 बार में कट जाएगा, 7 से ये इधर 7d हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. यानी d की जो वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई? 16 किलोमीटर निकल गई. और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर d 16 किलोमीटर. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं. नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है? ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी. ठीक है, ए जो है बी से 40% मोर इफिशियंट है, यानी ए लिख दिया हम लोगों ने और यहाँ से B लिख दिया. अगर B 100 होगा तो A कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा. अगर काटो छाटोगे तो 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में, यानी A B का रेशियो एफिशिएंसी कितना आ गया? 7/5. B और क्या दिए हुए है? B इज 25% मोर इफिशियंट देन C. B जो है C से 25% अधिक है, यानी ये 100 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 125. 25 से काट दो 5 बार में, 25 से काट दो 4 बार में. ठीक है, यानी यहाँ से तुम्हें कॉम्बाइंड एफिशिएंसी ए बी सी की निकल गई. कितनी निकल गई? 7:5:4. दे टेक अ टास्क टू कम फिनिश द वर्क इन 30 डेज. ठीक है, उन लोगों को 30 दिन लगता है किसी एक काम को ख़त्म करने में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? तीनों मिल के 30 दिन में करते हैं तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 7+5+4, 5, 4, 9, 7 कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 480 हो गई टोटल वर्क. अब क्या बोल रहा है? ए अलोन वर्क्स फॉर फर्स्ट डे, पहला दिन जो है ए अलोन काम करता है. सेकेंड डे जो है ही इज असिस्टेड बाय बी ऑन द सेकेंड डे, यानी सेकेंड डे ए बी काम करता है. और थर्ड डे में कौन काम करता है? सी काम करता है, यानी ए और सी काम करता है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल द वर्क इज फिनिश्ड. जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक ये काम चल रहा होता है. ठीक है, तो तुम्हें क्या बोल रहा है सवाल में? देखो, दे आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ठीक है, उन लोगों को किसके अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है? उनके वर्क के अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है. तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ बी इन द टोटल वेजेस ऑफ 4200. 4200 में बी का शेयर बताना है. तो देखो, एक साइकिल जो बना वो 3 दिन का बना. पहला दिन ए काम किया, 7 काम करेगा. दूसरा दिन 7 और 5 काम करेंगे. फिर तीसरा दिन 7 और 4 काम करेंगे. तो यहाँ से जब तुम देखोगे तो 3 दिनों में जो तुम्हारा काम हुआ है, 3 दिनों में तुम्हारा काम क्या हुआ? 7
सेवन फाइव ट्वेल्व और सात चार कितना 11, ठीक है। अब यहाँ से तुम जोड़ लो सबको, सात चार 11, 11 और 12 तुम जब जोड़ोगे तो 23, 23 और सात कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3 दिनों में तुम्हारा कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। मल्टीप्लाई कर दोगे इधर 16 से इधर भी 16 से, तो 48 डे में जो तुम्हारा काम कंप्लीट होगा वो कितना काम कंप्लीट होगा, 480 काम, काम खत्म हो गया तुम्हारा। जब काम खत्म हो गया है तुम्हारा, तो अब देखो तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है कि ए ने काम कितना दिन किया। ए तो पूरा दिन काम कर रहा है, हर बार काम कर रहा है, तो ए ने काम किया पूरा पूरी 48 दिन। यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, ए ने पूरा पूरी 48 दिनों तक काम किया। बी जो है वो तो सिर्फ हर एक साइकिल में एक ही दिन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हर एक साइकिल में जब वो एक ही दिन के लिए आ रहा है, तो बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया, कितना साइकिल हम लोग का चला था, 16 साइकिल चला था, यानी कि उसने टोटल 16 दिन काम किए। सेम एज सी भी एक ही दिन आ रहा है, यानी सी ने भी कितना दिन काम किया, 16 दिन काम किया। अब तुमसे पूछा था बी का शेयर, तो पैसा जो बनता है उनके काम के, तो काम का रेशियो निकाल लो। रेशियो ऑफ क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो रेशियो ऑफ वर्क देखो कैसे निकलेगा, ए का एफिशिएंसी 7 है, उसने 48 दिनों तक काम किया। बी का एफिशिएंसी 5 है, उसने 16 दिनों तक काम किया। सी का एफिशिएंसी 4 है, उसने भी 16 दिनों तक काम किया। 16 16 और 3 यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो रेशियो क्या आ गया, 21 रेशियो 5 रेशियो कितना 4, ठीक है। बी का शेयर निकालना है तो 20 शेयर निकाल दो। 20 शेयर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 5 बटे में 21 प्लस 5 26 और प्लस 4 30 गुने में कितना 4200, ठीक है। अब यहाँ से काट छाट दो, 3 से काट दो, 3 से ये कटेगा 14 बार में 140 इंटू 5 जब करोगे तो ये तुम्हें देगा 700 रुपीज़। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 700 रुपीज़ बी का शेयर है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है डीआई पे बेस्ड, ठीक है। डीआई को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग देखेंगे। तो डीआई का वह काम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तुम्हें दिए हुए है, चैलेंज इज गिवन टू ऑल स्टूडेंट ऑफ 6 डिफरेंट स्कूल, 6 डिफरेंट स्कूल के बच्चों को चैलेंज दिया गया। द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज। लाइन ग्राफ जो ये वाला ग्राफ है ये शो कर रहा है किस को, वैसे बच्चों को जो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिए थे, ठीक है। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज। द बार ग्राफ है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वैसे बच्चों को जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले 42% है, तो चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करने वाले कितने हो जाएंगे, 58% हो जाएंगे। और यही 58% का वैल्यू तुम्हें दिए हुए 2320। तो यहाँ से अब तुम चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले टोटल बच्चे हर जगह पहुँच सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ सवाल में कुछ कुछ लॉजिक को हम लोग लगा के सॉल्व भी करेंगे। देखो क्या है हमारा पहला सवाल, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन HKP, HKP में जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे इंक्रीज्ड बाय 250। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो कि अगर चैलेंज वाले जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो नो चैलेंज नहीं लेते वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहे हैं सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले। तो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले कब बढ़ेंगे, जब जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे वो जब घटेंगे तभी बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से देखो तुमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे उनका परसेंटेज तुम्हें बताना है। तो देखो इसको ना हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेट जाओ और एक थोड़ा सा तुम तुलना करना सीखो। जैसे तुम तुलना करते हो कि 58% की तुलना 2320 से किए, तो किसी पॉइंट में तुम 2320 की तुलना 58% से करोगे तुम्हें रिजल्ट आंसर जो आएगा 50% में आएगा। हमें चाहिए परसेंटेज में, यहाँ पे तुलना करते हैं हम लोग थोड़ा सा HKP में। HKP में देखो 38% एक्सेप्ट किया था, तो यानी कि 62% ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, जो कि 1860 वैल्यू के बराबर है। 1860 यूनिट का मान तुम्हें दिए हुए है 62%, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 62 बाय में 1860, ठीक है। 62 से कट जाएगा 30 बार में। जब ये 30 कट गया तो तुम्हें 250 का निकालना है जो इंक्रीज किया था। तो 250 का तुम जब देखोगे तो 250 का कितना परसेंट हो जाएगा, 250 बटे में क्या 3%, काट दो इसे, यानी 25 बाय में क्या निकल गया 3%। जिसको तोड़ोगे तो क्या बोलेगा, 8 होल 1 बाय में क्या 3%। अब तुमसे पूछा था कितने परसेंट का गिरावट आया, पहले तुम्हारा था 60% लोग जिन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था,
अब तुम्हारा 8 होल 1/3 लोगों ने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया, मतलब और कम हो गए, 8 होल 1/3% से और कम हो गए। तो जब 8 होल 1/3 हो गए तो इसे घटा दो। घटाने का नियम, 62 में 8 है तो 1 बढ़ा दो, 9, 62 में 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 53, 3 में 1 घटा दो यानी कि क्या हो जाएगा, 2/3। और तुम्हें 2/3 का मतलब पता है कि वो होता है 0.67, यानी 53 पॉइंट में क्या हो जाएगा, 67%। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 53 पॉइंट में क्या, 67%। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन BHU एंड NSP, BHU और NSP में जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, वो इंक्रीज हो जाते हैं 750 एंड 640 रेस्पेक्टिवली से। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन BHU एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन NSP। ठीक है, NSP में जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे टोटल, उनका अंतर बताना है तुम्हें। तो सबसे पहले बिना इंक्रीज के कितने लोग थे पहले ये निकाल लो, जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे। तो BHU में तुम्हें निकालना है, तो BHU का देखो तो तुम्हें क्या है, यहाँ पे 48% है, और ये ग्राफ जो है ये तुम्हें 52% का दिया हुआ है, क्योंकि 48 जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 52 क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 52 का मान 2080 के बराबर है, तो यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है एक का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 52 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 208 देगा, यानी एक का मान 40 के बराबर। तो तुम्हें 48% की वैल्यू निकालनी है, तो 48 गुने में जब तुम 40 करोगे तो 48 गुने में 40 तुम्हें देगा 19 में 20। ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट करने वाले निकल गए 19 में 20। सेम उसी तरीके से देखो, यहाँ 52 है, ये क्या हो जाएगा 48, 48 का तुलना करो 1440 से, यानी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 × 3 करोगे तो 144 आ जाएगा, एक की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो 52 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 × 30 क्या हो जाएगा, 1560। ठीक है, अब देखो तुम्हें डिफरेंस निकालने बोला है, किसमें डिफरेंस निकालने बोला है, BHU में और NSP में बढ़ने के बाद। तो एक चीज़ बताओ, पहले ये देख लो कितना से बढ़ा है और पुराना डिफरेंस कितना था, दोनों को जोड़ दो, इतना का डिफरेंस एक्चुअल में निकल जाएगा। मतलब क्या है, या तो तुम 1920 में 750 और 1560 में 640 जोड़ के डिफरेंस निकालो, या फिर पुराना डिफरेंस निकाल लो 1920 और 1560 का, ये हो गया तुम्हारा पुराना डिफरेंस। ठीक है, और नया डिफरेंस निकाल लो, नया डिफरेंस क्या है, 750 माइनस में 640। ठीक है, और ये दोनों डिफरेंस को क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि टोटल डिफरेंस क्या होगा, नया और पुराना मिला के बस हो गया सवाल खत्म। यहाँ से जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो ये तुम्हें देगा 360, और यहाँ से तुम जब निकालोगे तो ये तुम्हें देगा 110। ऐड कर दो, ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा तुम्हें, 470। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 470। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देखो क्या है। If the number of students who accepted the challenge in HKP, जो HKP में challenge accept किए थे, is decreased by 520, ठीक है? जो challenge accept किए थे वो क्या होते हैं, 520 से decrease कर जाते हैं, ठीक है? And the number of students, ध्यान रखना किस में decrease बोल रहा है, जो challenge accept किए थे उसमें HKP में, यानी 38% माइनस में क्या होगा, 520 होगा। ठीक है, जब इससे 520 डिक्रीज किया तो ये 520 आके किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा 520 आके। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज इन FTP, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे FTP में, वो इंक्रीज होता है 440 से। मतलब क्या है, इसको 440 से बढ़ाना है, यानी 42% माइनस क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेस्पेक्टिव रेशियो बताना है, किसका किसका, हु डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज इन HKP में जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, यानी इस वाले पार्ट का, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन FTP में जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे उनके साथ रेशियो, मतलब इसका मान निकालना है। अब देखो यहाँ पे, जब ये तुम्हारा इधर तो तुम्हारा ठीक है, ये आसानी से तुम्हें निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कितना, 1860 प्लस में क्या, 520। ठीक है, रेशियो। अब देखो यहाँ से तुम्हें ये 42% की वैल्यू निकालनी है, तो 42% है तो यहाँ पे ये 58% का वैल्यू तुम्हें दिए हुए है, कितना दिए हुए है, 2320। 58 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 232 आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 1% जब 40 हो जाएगा तो 42% क्या होगा, 42 × 40। ठीक है, 42 × 40 जब तुम करोगे तो ये तुम्हें देगा 1680।
ठीक है, और यही तुम्हारा क्या हो रहा है 440 से डिक्रीज कर जा रहा है। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1680 माइनस में क्या 440। जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें ऐड करने के बाद 2380 हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हें दे देगा 1240। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट दो ये 119 बार में और ये काट दो 62 बार में, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 119 रेशियो में क्या 62। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सवाल मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम टेकन है। ठीक है, तो इसे इनिशियल कंडीशन में हम लोग ज़्यादा दिमाग इसमें ना लगाएंगे। ऐसे इसको सॉल्व कैसे करना ये देख लो, बहुत ही आसान है, तुमने अभी तक यही करते हुए आया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज फ्रॉम ऑल स्कूल, सभी स्कूल से जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे उन बच्चों का तुम्हें क्या निकालना है, सम निकालना है, चैलेंज एक्सेप्ट किए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम एक का बता रहे हैं, बाकी तुम निकाल लेना। एक का देखो यहाँ पे क्या एफटीपी में ये 42% लोग क्या है वो है जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, इसी के तुम्हें क्या करनी है वैल्यू निकालनी है। 58% जो है तुम्हारा वो है तुम्हारा 2320 के बराबर, तो 1% क्या हो जाएगा तुम्हारा 1% हो जाएगा 40 के बराबर, क्योंकि 58 से 232 साफ साफ दिख रहा है 40 बार में, तो 42% निकाल दो, 42 इंटू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 42 इंटू 40 करोगे तो ये तुम्हें देगा 1680। कितना देगा 1680, यानी कि एफटीपी में जो हो गया चैलेंज एक्सेप्ट किए थे वो कितने थे 1680 थे। उसी तरीके से एचकेपी में भी निकाल लो, एचकेपी में जब तुम निकालोगे तो वो तुम्हें देगा 1140। एसएचयू में जब तुम निकालोगे तो एसएचयू में तुम्हें देगा 1600। फिर बीएचयू में जब तुम निकालोगे बीएचयू में ये तुम्हें देगा 19 में 20। फिर तुम एनएसपी पे आओगे, एनएसपी में जब तुम निकालोगे तुम्हें देगा 15 में 60। फिर केएसआर में जब निकालोगे तो केएसआर में ये तुम्हें देगा 1800। अब तुमसे क्या पूछा था कि जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे इन्हीं सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। जब तुम इसे ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये तुम्हें दे देगा 9700 एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 9700। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकन है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना कटने वाली टर्म यहाँ परसेंटेज के रिस्पेक्ट में ये इधर वाला ये सारा जो है आसानी से एक बार में दिख जाने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और आखिरी सवाल हम लोगों का क्या बोल रहा है देखो, आखिरी सवाल में क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन अनदर स्कूल KMR, एक KMR एक अलग स्कूल है जो कि 15% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन BHU, BHU में जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे उससे 15% क्या है अधिक है। तो देखो अभी जस्ट तुमने प्रीवियस सवाल में सॉल्व किया था कि BHU में जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था यानी 48%, इसकी वैल्यू तुमने निकाली थी 1920। ठीक है, तो 1920 में क्या बोल रहा है, KMR में 15% अधिक है, तो KMR का जो चैलेंज एक्सेप्ट किए थे, ठीक है, एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड क्या है तुम्हारा 1920 का 15% अधिक यानी 115 बटे में क्या 0। इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद तुम्हें देगा 2208। ठीक है, ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट एक्सेप्टेड द चैलेंज इन KMR, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे, ठीक है, यानी कि नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड का क्या बोल रहा है 10% लेस देन द नंबर हु डिड नॉट एक्सेप्ट द चैलेंज इन SHU, SHU में जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए थे उससे 10% क्या है कम है, यानी 3400 का क्या है ये 90% है। सॉल्व कर दो इसे, 0000 खत्म हो गया, सॉल्व करने के बाद ये क्या देगा 3060। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम्हारा KMR में जो टोटल हो गया वो टोटल कितना हो गया 2208 प्लस में 3060, यानी कि 52 क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा टोटल। अब तुम्हें निकालने के लिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेप्टेड द चैलेंज इन KMR इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो एक्सेप्ट किए थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के कितने हैं, तो परसेंटेज तुम्हें क्या निकालना है एक्सेप्टेड निकालना है। तो परसेंटेज एक्सेप्टेड जब निकालोगे तो 2208 बटे में टोटल क्या है तुम्हारा 5268 गुने में क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को तुम यहाँ तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। इसमें तुम कोई तुक्केबाजी नहीं कर सकते क्योंकि नज़दीक में बहुत सारे आंसर है, 41 के नज़दीक में 43, 46, सॉल्व करने के बाद ये तुम्हें दे देगा 41 पॉइंट में क्या 91%, और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 41 पॉइंट में 91%।
तो इसी के साथ हमारा ये पहला सीरीज़ कंप्लीट हुआ इस टॉपिक टेस्ट क्वांट सेशन का। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ भी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुमने अभी तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो वो तुम तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि ये बेनिफिट्स हर लोगों तक पहुँचे। ठीक है, चलो, थैंक यू।